अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड जानने के लिए एजुकेशन पोर्टल के, आपको सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके लिए आपको टाइप करना होगा गूगल में एजुकेशन पोर्टल एमपी गवर्नमेंट, एजुकेशन पोर्टल एमपी गवर्नमेंट। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं आपके मोबाइल में आपके सामने एजुकेशन पोर्टल एमपी गवर्नमेंट का वेबसाइट का लिंक आएगा। ये देखिए फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें और एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर पहुंच जाएं। जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर पहुंचते हैं वहां पर आपको जाना होगा सर्विसेज में। ये रही एजुकेशन पोर्टल एमपी गवर्नमेंट का, और आपको नीचे की तरफ जाना होगा जहां पर आपको सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा। सर्विसेज, ये रहा सर्विसेज का ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नो योर यूनिक आईडी। तो आप अपना यूनिक आईडी जब जानना चाहते हैं तो उसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके ठीक नीचे दिखाई दे रहा है रीसेट पासवर्ड, पासवर्ड का मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम अपना यूनिक आईडी आपका जान लेते हैं। इसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा नो योर यूनिक आईडी, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। और क्लिक करने पर आपके सामने ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें अपना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए ग्वालियर ले लेता हूँ मैं। और यहाँ पर डालता हूँ अपना नाम, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, अगर अपना आप अपना नाम डाल दें यहाँ पर, मान लीजिए राम अजय डाल देता हूँ मैं, अजय। अजय दुबे, एक ही नाम कोई मैं रेंडमली डाल रहा हूँ। इसको डालने के बाद मैं इसको खोजें के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये देखिए ढूंढ रहा है। अब चूंकि इसको इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला है ग्वालियर में, तो हम दूसरा सर्च कर लेते हैं, जैसे कि अजय शर्मा। ये सर्च करने पर ये देखिए ये दिखा दिया है इसने, अजय शर्मा मैंने जो नाम डाला है। ये देखिए उस यूनिक आईडी, डेजिग्नेशन यानी पोस्ट क्या है, स्कूल कौन सा है और पेमेंट अथॉरिटी कौन सी है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपना यूनिकोड देख सकते हैं। आप जब अपना नाम डाल के सर्च करेंगे और अपना जिला डाल के सर्च करेंगे और खोजें पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर आपको यूनिकोड पहले नंबर पर दिखाई देगा, तो आप इसको देख सकते हैं और यही होगा आपका यूनिकोड। इस तरह से आप यूनिकोड जान सकते हैं। पासवर्ड जानने के लिए आपको रीसेट पासवर्ड ऑप्शन पर जाना होगा, जो मैंने बताया था। इसके लिए आप फिर से सर्विसेज में जाएं, सर्विसेज में आपको जाना होगा एजुकेशन पोर्टल पर। सर्विसेज में जाने के बाद आपको जैसे मैंने बताया था कि ऑप्शन है रीसेट पासवर्ड का, ये देखिए ये रहा रीसेट पासवर्ड, इस पर क्लिक कर लें। जब भी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तब भी आप इस प्रक्रिया के जरिए नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर इस पर लिखा हुआ है, अगर आपका जो पंजीकृत मोबाइल है आपके DDO ऑफिस में, आपके पेमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में, तो उसी मोबाइल पर ये कोड आपको आएगा, सॉरी पासवर्ड आएगा आपका। तो आप ध्यान रहे कि आपका मोबाइल बिल्कुल सही हो, और नहीं है तो आप अपने DDO के पास उसको सही करवा सकते हैं। तो अगर अब आप अपना पासवर्ड जानना चाहते हैं तो अपना यहाँ यूनिक आईडी आपका आपको डालना होगा। यहाँ पर अपना यूनिक आईडी डालें, मान लीजिए ये मैंने ये डाल दिया BB, ये वाला 6980 करके एक आईडी डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा ये प्रोसीड के बटन पे, ये प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स आएंगी, जो कि डिटेल होंगी आपकी, आपने जो कोड डाला है और अपना पासवर्ड चाह रहे हैं, तो आप अपने यहाँ डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैंने जो डिटेल डाली थी रैंडमली किसी की भी,
तो ये यहाँ पर बता रहा है उसकी डिटेल्स, उसका मोबाइल नंबर भी बताया जाएगा यहाँ पर, और आखिरी डिजिट होंगे केवल 3, जिसके ज़रिए आप ये जान सकते हैं कि वाकई में आपका मोबाइल नंबर है या किसी और का है। अगर ये सही है तो नीचे दिए दो ऑप्शन उपरोक्त मोबाइल सही है, मेरा है, इस पर नया पासवर्ड भेजें, और नीचे का ऑप्शन है नहीं है, इस पर नहीं भेजें। तो आप सही है तो इस पर क्लिक कर दें, और आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आपका नया पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा विथ कोड, आपके कोड के साथ में। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, दोबारा आपका जो पासवर्ड है उसे प्राप्त कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं आपका पासवर्ड, और लॉगिन कर सकते हैं एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर। तो इस तरह से जाना आपने कि आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।